I'm sorry, Yatu, beta. आपके डैडा और मैं अब एक छत के नीचे नहीं रह सकते. मैं स्कूल क्वार्टर्स में शिफ्ट हो रही हूँ. अगर आपका मुझसे मिलने का दिल करे ना तो वहां आ जाया करना. नहीं मैम, आप नहीं जा सकती. मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा. मैं डैडा से बात कर रहा हूँ. मैम डैडा प्लीज आप मैम को रोक लूंगा प्लीज. बेटा मैंने किसी को जाने के लिए नहीं कहा, इसलिए मैं किसी को रुकने के लिए रिक्वेस्ट भी नहीं करूंगा. जिसको अपने मन से जाना है बेशक जा सकता. अपने मन से नहीं रुकी थी मैं, आपने रोका था. मैंने नहीं कहा था कि मुझे यहाँ रहना है. कितनी आसानी से कह दिया ना अपने मन से एनऑल. क्यों? क्योंकि मेरी इस घर में कोई आइडेंटिटी नहीं. जब जी चाह टीचर बना दिया, जब जी चाह गेस्ट बना दिया. मजाक है क्या? लेकिन ना इस घर में अब टीचर रहेगी और ना गेस्ट. चलिए मम्मी जी. नहीं मैम, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा. नहीं मैम, नहीं नहीं. आर्ग्यूमेंट करने के लिए जुबान को थोड़ा तीखा तो करना ही पड़ता है. और आप भी प्लीज ये बात ध्यान में रखिएगा कि मैं भी ये सब बच्चों को सुनाने के लिए कर रही थी. मेरे मन में आपके लिए कोई शिकायत नहीं. इतनी नेचुरल एक्टिंग कर रही है कि इनकी एक एक बात सच सी लग रही है. मैं भी अपनी एक्टिंग चालू रखता हूँ. हाँ हाँ साक्षी जी, आंटी जी, आप लोग को जाना है, आप लोग जा सकते हैं. कोई नहीं रोक रहा आप लोगों को. ऐसे नहीं करते. चलो नहीं बिहेवियर सर, ऐसे नहीं करते. चलो अंकल प्लीज लीव हिम अंकल. ये तू बेटा, मैं आपसे हर रोज स्कूल में मिलूंगी ना. I'm gonna miss you, Pa. सब क्या बातें बताओ. मिशन एकम्प्लिश्ड. साक्षी की विकेट गिर गई. फाइनली वो मानव की जिंदगी से और घर से दोनों से दूर चली गई. वाओ दैट्स ग्रेट न्यूज डार्लिंग. अब साक्षी यथु की लाइफ से आउट हुई है तो तुम यथु की लाइफ में अपनी जगह बनाओ. All the best. I hate you, Dada. I hate you. अब देखना आगे आगे होता है क्या. गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगले 6 हफ्तों में मैं उस मानव वाजपेयी को सड़क पे लाके खड़ा कर दूंगा. उसके हाथ में भीख का कटोरा होगा और तुम्हारे हाथ में आकांक्षा तुम्हारा यत्थ होगा. थैंक यू लव, थैंक यू सो मच. जीत की खुशी वक्त से पहले नहीं मनानी चाहिए. रिमेंबर आकांक्षा, यत्थ को मैं सिर्फ तुम्हारे पास ला सकता हूं, तुम तक ला सकता हूं, लेकिन उसे दिल से अपने करीब लाने का काम तुम्हारा होगा. उसे मानव से दूर करना होगा, इमोशनली उसे दूर करना होगा. एक बार तुम ये कर पाई ना फिर देखो, ये जो मानव वाजपेयी है ना, बिना साक्षी और यथु के अपना वजूद ही खो बैठेगा. अब तुम देखना वैभव मैं क्या करती. That's like my princess. Oh.
तो मदर्स डे पे साक्षी मैम को साक्षी मॉम बनाऊंगा, उनके साथ मदर्स डे सेलिब्रेट करूंगा। लेकिन वो तो मुझे छोड़। बेटा तुम्हारा दिल टूटने से बेहतर था तुम्हारा ये भ्रम टूटना। वेलकम टू द पार्टी डैडा। मानव अंकल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके लिए यथु की खुशी से बढ़कर भी कुछ हो सकता है। आप अपने और साक्षी मैम के छोटे मोटे इश्यूज बात करके भी सॉल्व कर सकते थे, उन्हें इस घर में रोक सकते थे आप, लेकिन आपने आपने ऐसा कुछ नहीं किया। मानव इतने दिन हो गए हैं, क्या तुम मुझे प्लीज यथु से मिलने दे सकते हो? देखो तुमने मुझसे वादा किया था कि कभी कभार मैं अपने बेटे को मिल सकती हूँ। मैं अपने बेटे की याद में बहुत तड़पती हूँ। संडे को मदर्स डे है, कम से कम उस दिन तो मुझे उससे मिलने दो। साक्षी जी के जाने से यथु नाराज है, उदास भी है। इस वक्त वो बहुत वल्नरेबल स्टेट में है। इस वक्त ना इसका दिल काबू में है ना दिमाग। ऐसी कंडीशन में मैं उसे आकांक्षा से कैसे मिलने दूं? मानव हाँ अच्छा सुनो, मुझे दो तीन दिन का वक्त दो, मैं कुछ अरेंज करता हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। मिस्टर बाजपेयी, आज मैंने यथु को देखा था, वो बिल्कुल खुश नहीं लग रहा था। आई थिंक बाकी बच्चों के पेरेंट्स के साथ उनको देखकर वो काफ़ी लेफ्ट आउट फील कर रहा था। एंड यू नो व्हाट, बच्चों के लिए ऐसी मेमोरीज बिल्कुल अच्छी नहीं होती। मैम मैं एक काम करता हूँ, मैं साक्षी मैम से कह देता हूँ वो यथु को एक बार। साक्षी मैम, शी इज द स्कूल काउंसलर एंड आई वुड एडवाइज यू नॉट टू कॉल हर। वो आई थी मेरे पास, कह रही थी कि वो स्कूल में किसी भी बच्चे के साथ जरूरत से ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहती। जितना एक टीचर को एक स्टूडेंट के लिए करना चाहिए वो उतना जरूर करेंगी, पर उससे ज्यादा नहीं। And I think she's absolutely right. और मिस्टर बाजपेयी, लास्ट टाइम आपकी वजह से ही उनकी जॉब चली गई थी, सो आई होप इस बार आप ऐसा कुछ भी नहीं दोहराएंगे जिससे वो सब वापस हो। रिस्पेक्ट हर प्राइवेसी मिस्टर बाजपेयी। साक्षी मैम ने ऐसा, मानव की हालत बहुत खराब लग रही है। ओह शट अप। शर्म आनी चाहिए तुम्हें नेहा। अरे बॉस है तुम्हारे, नाम क्या के सर तो लगाओ। मानव सर। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। नहीं नहीं नेहा, डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने मानव सर के बारे में ऐसी बैड न्यूज देती रहना और मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में गुड न्यूज ट्रांसफर करता रहूंगा। थैंक यू सर। इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और तुम? I'm really sorry sir. आज यथु के I'm sorry, it's okay. इन सब चीजों में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दो, तुम्हें ये एहसास है कि हमारे पास सिर्फ 6 हफ्ते हैं निहारिका की इनहेरिटेंस क्लेम करने के लिए? Yes sir, I know. देखो निहारिका ने होलकर इंडस्ट्री की प्रॉपर्टीज पर कुछ लोन लिया था, वो लोन कब का चुका भी दिया गया है, लेकिन प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर्स गायब है। बैंक के मुताबिक वो पेपर उसी को लौटा दिए गए थे। मुझे लगता है कि ये पेपर वैभव कपूर के पास होने चाहिए। अगर ये पेपर हमें मिल जाएं, तो हम मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे और होलकर इंडस्ट्री को बचा पाएंगे। और वही सब डिस्कस करने के लिए मिस्टर रेड्डी यहाँ आए थे और तुमने वो मीटिंग मिस कर दी। दुनिया भर के पेट्स पाल सकते हो, तो फिर ये गलत फहमी क्यों पाल के बैठे हो? मैंने कभी तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं किया। गेट दैट स्ट्रेट इन योर हेड, ओके? सर एक बात पूछूं आपसे, होलकर इंडस्ट्रीज ने जो वैभव कपूर पर केसेस किए थे
उन केसेस में वैभव कपूर को डिफेंड कौन कर रहा था? और कौन? मीरा सिंघानिया। तो? जी मैं। आई होप आपको अपने क्लाइंट के राइवल को ऐसे अपने ऑफिस में देख के गुस्सा ना आ रहा। गुस्सा? इनफैक्ट मैं हर उस इंसान से मिलकर खुश हूँ जो वैभव से इतनी सी भी नफरत करता हो। मैं दरअसल आज आपके लिए एक प्रपोजल लेके आया। ये यूं समझ लीजिए आपको अपने अफसोस को मिटाने का एक मौका। मिस्टर कपूर, ये कोर्ट के ऑफिशियल ऑर्डर्स हैं। होलकर इंडस्ट्रीज के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो हमें बैंक ऑफ मध्य प्रदेश के साथ डील करने के लिए चाहिए और जो वो आप हमें प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं है, सो आई सजेस्ट कि आप हमें वो डॉक्यूमेंट्स दे दें, अदरवाइज हमें डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के और तरीके भी आते हैं। सो जेंटलमैन, राउत सिंह, ये जो सेल्स डिप हुए हैं ये, अरे आप लोग अभी तक यहीं हैं, गए नहीं? लेट मी रिमाइंड यू वैभव, जिस ऑफिस में तुम इतने आराम से बैठे हो वो 2016 तक होलकर इंडस्ट्रीज का हेड ऑफिस रह चुका है। आई होप यू नो दैट। और क्योंकि वो ऑफिशियल फाइल हमारे ऑफिस में मौजूद नहीं है तो जाहिर सी बात है वो यहीं कहीं होगी, इसलिए बड़ी ही शराफत से वो फाइल आप हमें दे दें। आप दोनों जो होलकर इंडस्ट्रीज की फाइल और डॉक्यूमेंट्स ढूंढने यहां पर आए हो, जहां तक मेरी नॉलेज है इस ऑफिस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह वंडरफुल, इन दैट केस प्लीज साइन दिस एफिडेविट। इसमें ये साफ साफ लिखा है कि अगर फ्यूचर में होलकर इंडस्ट्रीज का कोई भी डॉक्यूमेंट आपने कहीं भी प्रेजेंट किया तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। जब इंसान गुस्से में होता है ना, आवेश में होता है, तो वो अपनी सुनने की क्षमता खो बैठता है। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा मिस्टर बाजपा से अभी भी? मैंने कहा ना कि मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं देखता हूँ, और अगर मिल गया तो हम आपको कॉल करके बता देंगे सामने से। आपका नंबर तो मेरे फ़ोन में है, पता नहीं कैसे लेकिन है। कहा था ना मीरा जी, मिस्टर कपूर कुछ ऐसा ही बोलेंगे। इसीलिए तो मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। आपको जितना टाइम लेना है आप लीजिए, लेकिन उससे पहले ये लीजिए। ये क्या है? बताती हूँ, अनदर एफिडेविट टू साइन, जिसमें ये लिखा है कि 3 दिन के अंदर आपको ये कंफर्म करना होगा कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके ऑफिस में है या नहीं। सिंपल। आप तो पूरी तैयारी के साथ आई हैं मीरा जी। थैंक यू। मानो तुम जानते हो ना, ये मीरा जो आज हमारे साथ खड़ी होकर वैभव के खिलाफ प्लान कर रही है, कल तक ये वैभव के साथ हुआ करते थे। आई होप तुमने पता कर लिया होगा कि वैभव की कोई नई चाल तो नहीं। बोलकर सर, मकारों की दुश्मनी की शुरुआत दोस्ती से ही होती है, और मीरा ने वैभव के धोखे का स्वाद चख लिया, अब वो भी वैभव की दुश्मनी है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। डोंट वरी सर, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। ओके। मानव, आई नो कि तुम यथु को लेके थोड़ा परेशान हो। आखिर और कितना तड़पना पड़ेगा मुझे अपने बच्चे के लिए? कब तक हर रोज उसकी याद में आंसू बहाने पड़ेंगे मुझे? मानव, तुमने मुझसे वादा किया था कि 2-3 दिन में जवाब दोगे, और कितना वेट करना पड़ेगा मुझे? सब कुछ तुम्हारी शब्द के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, तुम्हारी प्रेजेंस में ही उससे मिलूंगी, और क्या चाहिए तुम्हें? मानो प्लीज प्लीज मुझ पे तरस खाओ। तब से मैंने अपने बेटे को देखा तक नहीं है, उसे गले नहीं लगाया। प्लीज मानो, माँ को ऐसे मत तड़पाओ, प्लीज। इसकी एक्टिंग नहीं छूटती। सुनो, रोना बंद करो प्लीज। ये लो पानी पियो, हम डिस्कस करते हैं।
वैभव सर, ये लोग शायद जानते हैं कि आप 3 दिन में कुछ जुगाड़ तो करने वाले हैं। सर, इसीलिए मीरा मैम और मानव सर पहले ही डिसाइड कर रहे हैं कि पेपर्स ऑफिशियली पहले ही निकाल दें। और एक बात सर, मुझे लगता है ना कि मानव सर की फैमिली में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, तभी तो आजकल बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं। बस अब तुम देखती जाओ नेहा, अभी तो तुम्हारे सीईओ सर सिर्फ स्ट्रेस लग रहे हैं ना, कुछ दिनों में वो डिप्रेस भी लगेंगे। जो वैभव कपूर की खुशियों को छीनने की कोशिश करता है ना वो। नेहा होल्ड ऑन होल्ड ऑन, एक बहुत ही नॉट सो इम्पोर्टेंट पर्सन का बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। होल्ड होल्ड द लाइन। ए डार्लिंग। ओ वैभव, इतने दिन हो गए थे एक्टिंग किए, मैं तो भूल ही गई थी किरदार में घुस के कैसे रहा जाता है। कल शाम 7 बजे मैं यथु को मिलने वाली हूँ। एक बात बस, तुम मुझे उस घर में पहुंचने दो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि एक हाउसवाइफ कैसे एक अच्छी बिजनेस वूमन साबित होती है। Hey, come on, darling. जो बात मैं ऑलरेडी जानता हूँ वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। You are a fantastic actress. अच्छा listen, जल्दी घर आ जाओ, आज सेलिब्रेट करते हैं। नेहा, कल की शाम तुम्हारे सीईओ सर की सबसे लंबी शाम होने वाली है और सबसे डिफिकल्ट भी। जिस यथु के लिए मैं पूरी दुनिया से नाराज हो गया था, आज वही मुझसे नाराज है। समझ में नहीं आ रहा उसकी नाराजगी दूर कैसे करूं। साक्षी जी के जाने से यथु इतना नाराज हो जाएगा, सोचा नहीं था। यथु बहुत ज्यादा नाराज है, बात समझ भी नहीं रहा। साक्षी जी से बात करनी पड़ेगी, हर बार की तरह शायद इस बार भी उनके पास इस बात का सलूशन हो। साक्षी जी, कैन वी टॉक? इट्स अर्जेंट। हेलो साक्षी जी, सॉरी मैंने आपको इतनी रात में परेशान किया। मानो बेटा, मैं बोल रही हूँ, मालती। नमस्ते आंटी जी। बेटा एक बात कहूँ, बुरा मत मानना जी, अब साक्षी को कांटेक्ट करना बंद कर दो। अब उसे भी नई शुरुआत करने दो अपनी जिंदगी की। मेरे बच्चे ने पहले ही बहुत कुछ झेला है, अब वक्त है वो सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़े। बहुत मुश्किल से खुद को संभाल रही है वो। मुझसे एक वादा करोगे? जी आंटी जी। अगर तुम्हारी कभी साक्षी से बात हो तो उसे दूसरी शादी के लिए समझाओगे? प्लीज मेरी बच्ची को सेटल होने में मदद कर दो बेटा, वरना मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। उसकी चिंता में जिंदा लाश बन के पड़ी रहूंगी, पर यह शरीर नहीं छोड़ पाऊंगी। आंटी जी प्लीज इस तरह से बात मत कीजिए। मैं वादा करता हूँ, मेरी जब कभी भी साक्षी जी से बात होगी मैं उन्हें इस बारे में समझाऊंगा। आप प्लीज ऐसे मरने वरने की बात मत कीजिए। चलिए, गुड नाइट आंटी जी। ये क्या किया? देख के खेल नहीं सकते? कांच तोड़ दिया तुमने? सुनाई नहीं देता? तो ठीक है, प्रिंसिपल के ऑफिस में सब सुनाई देगा। अभी तुम्हारी कंप्लेंट करते हैं।
मैडम जी, कोई छोटी क्लास का बच्चा है, उसने आपका खिड़की का ग्लास तोड़ दिया। आप सीधा उसे प्रिंसिपल मैम के पास लेके जाइए। मैं प्रिंसिपल मैम से बात करती हूँ, आप जाइए। जी मैम। मुझे आपसे बात नहीं करनी मानव जी, लेकिन यथो के लिए मुझे आपसे बात करनी ही पड़ेगी। आप मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? वो स्कूल में फोन उठाना अलाउड नहीं है। रियली? ये कोई नया रूल है कि अब आप स्कूल में इमरजेंसी कॉल्स भी नहीं रिसीव कर सकती? मैं कब से आपको कॉल कर रहा हूँ? नहीं, ये स्कूल का कोई रूल नहीं, बल्कि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं स्कूल आवर्स में कोई पर्सनल कॉल अटेंड नहीं करूँगी। देखिए, यथु ने आपकी खिड़की का कांच तोड़ा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड सेकंडली, उसने ऐसा किया ये तो आपको पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उसने ये क्यों किया? मिस्टर वाजपेयी, हम दोनों को ये पता था कि मेरे जाने के बाद यह तो डिस्टर्ब होगा और वो किसी ना किसी तरीके से रिएक्ट तो करेगा ही, और खिड़की का कांच तोड़ना उसका वही रिएक्शन था। ऐसा करके वो मेरी अटेंशन पाना चाहता था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी को चोट पहुंचाना चाहता था या वो गुस्से में था। इसीलिए शायद प्रिंसिपल मैम के सामने भी उसने ये कन्फेस कर लिया कि कांच उसी ने तोड़ा, और प्रिंसिपल मैम उसे सस्पेंड करने वाली थी। सस्पेंड? जी, मैंने प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट की है कि वो उसे वार्निंग देकर छोड़ दें, लेकिन क्या? यथार्थ की काउंसलर होने के नाते मुझे आपसे ये बात करनी होगी। वाजपेयी जी, आपके घर में यथार्थ का कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है। बच्चों के दिमाग में ना हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है जिसे वो किसी से शेयर करना चाहते हैं, और जब वो किसी से शेयर नहीं कर सकते तो वो अपने अंदर ही अंदर खोने लगते हैं, खुद से सवाल जवाब करने लगते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अगर हो सके तो आप उसकी नानी को अपने घर में ले आइए, या फिर किसी प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड नानी को हायर कर लीजिए जो उसका ख्याल रख सके। उसका ख्याल रखने के लिए उसके डैडा हैं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। और जाते जाते मैं भी आपको एक एडवाइस दे दूँ, आप ना एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के अपना घर बसा लीजिए, ताकि आप इमोशनली सेटल हो जाएं और ऐसे वियर्ड रूल्स ना बनाया करें। मैं यथु का ख्याल रख रहा हूं और आगे भी रखता रहूं। हाँ बोलो दादा। हाँ यथु बेटा, प्लीज मेरी बात सुनो ध्यान से। डैडा ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में फंस गए हैं, और आपकी मम्मा आपसे मिलने आ रही हैं। बेटा सुनो, आप ना पूरे स्टाफ के सामने लिविंग रूम में ही उनसे मिलना, वहीं बैठना, उनके साथ अकेले कहीं मत जाना, घर के बात तो बिल्कुल ही नहीं। ओके बेटा, मैं जल्दी से अपनी मीटिंग फिनिश करके आ रहा हूँ आपके पास। ओके बेटा। यथु, आप अपने सुपर डैडा के सुपर सन हो ना। बेटा प्लीज़ आज मैनेज कर लो। प्लीज़ बेटा मुझे गलत मत समझना, अगर मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती ना। ओके मैम। यथु बेटा, आपकी मम्मा आपके लिए चॉकलेट्स लाई है, दरवाजा खोलो। मैंने डैडा से बात कर ली है, वो थोड़ी देर में आने वाले हैं, आप प्लीज बाहर जाके वेट कीजिए। यथु
यथु लगता है इससे काम बन जाएगा और यथु पिघल जाएगा। सर हमने मैडम को बताया साहब लोगों की मीटिंग चल रही है फिर भी जबरदस्ती अंदर घुस आई। ग्रेट मिस्टर मानव बाजपेयी ग्रेट। उस दिन कोर्ट में तो तुम बड़ा महान बन रहे थे कि एक माँ और बेटे का रिश्ता कभी टूट नहीं सकता ब्ला ब्ला ब्ला। आकांक्षा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है जाओ यहाँ से। दो घंटे वेट कर रही थी मैं तुम्हारा वहाँ। तुम्हारी परमिशन के बाद तुम्हारी प्रेजेंस में मिलना तय हुआ था यथु से और तुम इतने इर्रेस्पॉन्सिबल निकले मानव की आए ही नहीं। मानव तुम्हें मेरी हालत पे तरस नहीं आता है। एक बच्चे को उसकी माँ से मिलाने के लिए एक शाम का टाइम तो मैनेज नहीं कर पाए तुम। इतनी बड़ी होलकर इंडस्ट्रीज कैसे संभालोगे? I'm really sorry, gentlemen. As you can see, हमारे पर्सनल इश्यूज थोड़े please give me a moment. आपको मैं यहाँ बुलाना था तो आपके सीईओ के सारे इश्यूज क्लियर कर देने चाहिए थे आपको। आई एम सो सॉरी बट हमारी मेहनत की कमाई आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना हमें कुछ सेफ नहीं लग रहा है। एनीवेज थोड़ा सोच समझ कर दोबारा मीटिंग करने का सोचते हैं। अभी हम चलते हैं। मैम प्लीज इस छोटी सी बात को देख के हमारी कंपनी को जज मत कीजिए। एक मौका दीजिए मैं आपको मिस्टर बाजपेयी हमें मत समझाइए कि किसे और कैसे जज करना है। हम तो सामने वाले को देखते ही हालात को समझने की समझ रखते हैं और वैसे इस वक्त आपकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है। सिंह गिव मी अ मोमेंट सर प्लीज। मैम आप बिना परमिशन के ऐसे कॉन्फ्रेंस रूम में चली आई। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मानव सर इन्वेस्टर्स के साथ कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे थे। आपको आइडिया भी है कि आपकी वजह से हमारी कंपनी का कितना नुकसान हुआ है। आज आपके वजह से हमारे सारे इन्वेस्टर्स चले गए। That's the way to go. सारे इन्वेस्टर्स छू। Well done, my queen. Very well done. तुम माँ चाहे कैसी भी हो लेकिन ड्रामेबाजी में अव्वल नंबर की हो। मिस्टर वाजपेयी न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ी है मैंने आपकी ओर आकांक्षा नाम की। ना तो आप बचेंगे और ना ही आपकी ये कंपनी। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय। आई हेट यू मम्मा। आपने मुझे और डैडा को बहुत रोना। मैं आपसे कभी भी नहीं मिलूंगा। मैं आपके पास वापस कभी नहीं आऊंगा। मुझे साक्षी मैम के पास वापस जाना है। साक्षी मैम को जाने से क्यों नहीं रोका डाडा? कितनी अच्छी है कि न्यू जॉब से पहले हम सब कितने मजे करते थे लेकिन अब सब अलग अलग हो गए और सब लोग सैड हो गए। साक्षी मैम अब तो मुझे देखती भी नहीं है। मुझे देख के स्माइल भी नहीं करती। मुझे हग भी नहीं करती है। हम मुझे मम्मा की तरह छोड़ के क्यों चली गई साक्षी मैम? आई हेट यू मम्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.